एक बार फिर से बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के कंटेस्टेंट के बारे में भाई कुछ गॉसिप लेके आई हूँ और कुछ नाम सामने आ रहे हैं बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चों के और बड़े सेलिब्रिटीज के कि भाई ये लोग जो है आने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में दिखाई देने वाले हैं। हालांकि मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि भाई ये नाम सामने आ रहे हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आने वाले तो हैं नहीं, पर जो नाम है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ नाम मुझे भी डाउट है कि हाँ ये आ सकते हैं, पर कुछ नाम ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं आएंगे। बस ऐसे नाम जो है सर्कुलेट हो रहे हैं कि हाँ भाई ये भी आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, पर ये इतने बड़े नाम हैं वो अपने लाइफ को दांव पे इस रियलिटी शो के मंच पे नहीं लगाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई पहले सबसे पहले जो है तनुश्री दत्ता, तनुश्री दत्ता का नाम सामने आ रहा है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि तनुश्री दत्ता जो है इनको अप्रोच तो किया गया है, तो क्या ये हामी भरेंगी? अगर ये हामी भरेंगी तो क्या आप इनको देखना पसंद करेंगे? और दूसरा नाम जो है धर्मिंदर जी की बेटी आहाना देओल का भी नाम सामने आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आहाना देओल जो है वो शायद कहीं ना कहीं आ सकती है, बट मैं जो हूँ इसके लिए सिर्फ 10% कन्फर्म हूँ और सीरियसली 90% मुझे ऐसा लगता है कि ये भी नहीं आने वाली हैं। और अभी दूसरा नाम रहा संजय दत्त की बेटी, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था, त्रिशाला दत्त। भाई नाम भी ये ऐसे देख के रखते हैं ना कि बोलने के लिए भी बंदा एक बार बोले तो हाँ भाई त्रिशाला, ओ ओके ओके, संजय दत्त की बेटी, एक बार बोल दिया पर उसके बाद फिर भी याद रहता है। त्रिशाला दत्त जो कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था त्रिशाला का फैन फॉलोइंग बेस होगा डेफिनेटली, बट उसने अभी तक अपना करियर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने करियर को दांव पे लगाने के लिए इस मंच पे आएगी। आपका क्या कहना है आप बता देना। और उसी दौरान ही उल्टा चश्मा के जो टप्पू सेना के जो टप्पू हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, भाव्या गांधी, इनको अप्रोच किया गया है। तो अभी देखेंगे कि आखिरकार ये इस शो में आना पसंद करेंगे, पर मुझे लगता है कि अगर अप्रोच किया गया है तो इनको आना चाहिए क्योंकि लोग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि शो है उसमें काफ़ी ज़्यादा उस करेक्टर्स को पसंद किया जाता है। इसी दौरान ही उमेश चक्रवर्ती का नाम भी सामने आ रहा है कि भाई इतने सारे सेलिब्रिटीज को अब तक अप्रोच कर लिया गया है, अब देखेंगे कि आखिरकार इन सेलिब्रिटीज में से हामी कौन भरता है और कौन दिखाई देता है, बट अभी तक ना मेकर्स की और इन सब की तरफ से कोई भी ऐसी कंफर्मेशन, ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं मिली है, कोई भी ऐसी हिंट नहीं मिली है। आपका क्या कहना है बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में।